Hello and welcome back to my channel. And if you're new here, then hi, my name is Indrishra and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So welcome to business idea part 2. आज भी मैं आप लोगों को बिजनेस आइडिया दूंगी कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप लोग ना स्क्रंचीज की बिजनेस भी कर सकती हो जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रही है। एंड जब तक इस दुनिया में लड़की है तब तक स्क्रंचीज तो बिकेंगी ही, राइट? क्योंकि वी आर गर्ल्स, हम लोगों की हेयर लंबी होती है एंड हम लोगों को स्क्रंचीज तो चाहिए होता है। तो ये स्क्रंची ना थोड़ा सा मेसी है, फॉरगेट दैट। ओके, तो ये स्क्रंची ना मैंने खुद बनाया है लास्ट ईयर, बहुत टाइम हो गया है। अगर आप लोगों को स्क्रंचीज बनानी नहीं आती है तो मैं पार्ट टू जरूर बनाऊंगी। आप लोग ना स्क्रंचीज बना सकती हो, उसे बेच सकती हो। एक स्क्रंचीज का आप लोग 50-60 रुपीस चार्ज कर सकती हो, या फिर आप लोग कोम्बो की तरह भी बेच सकती हो, लाइक 3 पीस का 150 या फिर 140 या फिर 130, जितना बेच अकॉर्डिंग टू यू। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सीविंग मशीन है तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर नहीं है, अगर आप परचेस करना चाहती हो तो आप ये सस्ते दाम वाला परचेस कर सकते हो, लाइक यू नो ट्रायल के लिए कि कैसे चलेगा, कैसे सिलाई होती है, वो सब प्रैक्टिस के लिए आप खरीद सकती हो, या फिर शुरुआत के लिए आप इतना स्पेंड कर सकती हो। अगर आपके पास यू नो अगर आप इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकती है तो, या आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए या फिर अगर आप मशीन नहीं परचेस करना चाहती हो तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकती हो। एक दो स्क्रंचेस आप हाथ से बना लो, उसे बेचने की कोशिश करो, और जब तक वो नहीं बिकती है दूसरे स्क्रंचेस बिल्कुल भी मत बना। आपको बस एक इलास्टिक की ज़रूरत है, ये वाला, ये मैंने अमेजन से खरीदा था। अगर आप चाहो तो ये वाला परचेस कर सकती हो। यू नो चार फेस स्क्रंचेस की बात, मुझे ये वाला सही स्क्रंचेस मिला था क्योंकि कोई का स्क्रंचेस स्ट्रेच नहीं होती थी, तो स्क्रंची के लिए इट वॉज अ बैड आइडिया। बट दिस वन इज द बेस्ट स्क्रंची जो मैंने अब तक परचेस किया है। और रहा सवाल कपड़ों की है, ये आप अपनी यू नो नज़दीकी टेलर वालों से भी मांग सकती हो। लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है काट कूट की फेंका वाला, आप उनसे मांग लो, वो लोग दे देंगे, बिकॉज इवेंचुअली दे विल थ्रो इट, राइट? तो अगर वो लोग नहीं दे रहे तो किसी और से मांग कर देखो, आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आई मीन दे आर नॉट दैट मीन कि वो लोग नहीं देंगे। सो आप लोग मांग लो उन लोगों से। आप लोगों को कपड़े खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ना सैटिन के कपड़े हैं और सैटिन के कपड़े से स्क्रंचेस बहुत अच्छी और प्यारी बनती है, तो आप ना लोगों से वही कपड़ा मांगना। मेरे पास एक प्लास्टिक भर भर की है स्क्रंचेस के लिए कपड़े, बट मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिलता है एंड ऑलरेडी बहुत सिलाई किया वाला है। तो या आप खुद भी यूज़ कर सकती हो एंड लोगों को भेज भी सकती हो, बट फ्री में मत देना। इवन इफ दे लाइक मुझे दे दो मैं प्रमोट करूँगी, डोंट। आपको प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? किसी को भी फ्री में प्रोडक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप अभी शुरुआत कर रही हो। एक स्क्रंचीज किसी और को देना इट्स अ बिग थिंग। मैंने बहुत गलती कर दी है, आप लोग मत करना। आप लोग ना ऐसा टाइनी वाले स्क्रंचीज भी बेच सकती हो एंड ये भी आप लोग कुंभ में यू नो सेल कर सकती हो फॉर 6-7 पीस एक साथ अलग अलग कलर के, दे विल श्योरली बाय। एंड अगर आप हाथ से भी सिलाई कर रही हो ना, इट्स ओके। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आपको सिलाई में परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि वो जो अंदर की जो स्टिच है ना वो परफेक्ट हो, लाइन में हो, और उसमें यू नो गैप बिल्कुल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल सी, इसमें ना ही कोई गैप है, द लाइन इज लाइक स्ट्रेट, इट्स परफेक्ट, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये मैंने सिलाई की है। आई एम ऑल्सो नॉट गुड इन स्टिचिंग, मैंने भी कोई कोर्स नहीं करी है, मैंने खुद घर में ट्राई की है। मैंने ये वाला सीविंग मशीन परचेज की है, मैंने इससे ही सीखा है सीविंग करना। सो या एक दो बार मैंने आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएंगे एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। आप लोग कपड़े तो नहीं बना रही हो, राइट? कि आप लोगों को टाइम चाहिए होगा परफेक्ट होने के लिए, जैसे स्क्रंचेस एंड स्क्रंचेस बनाना इट्स गॉट अ बिग डील।
आपको बस खुद को टाइम देना पड़ेगा और डेडिकेशन होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, तभी आपके बिजनेस चलेंगे। तो या मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग, कि उससे कैसे प्रमोट करेगी, कहाँ कहाँ बेचना है। सो आप लोग ना एज यूजुअल इंस्टाग्राम में पेज खोल दो, अपनी सिलाई करने वाली वीडियो पोस्ट कर दो, स्क्रंचेस की वीडियो पोस्ट कर दो, आप लोग खुद पहन कर उसे प्रमोट कर सकते हो। अगर आपका फेस नहीं दिखाना तो पीछे से कर दो, बिकॉज ऐसा है। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप पीछे से फोटो खींच सकते हो, क्योंकि स्क्रंचेस तो हम लोग पीछे में ही बांध देंगे। अगर आपको खुद का फेस नहीं दिखाना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप पीछे का फोटो दिखा दो, इट्स फाइन। ओके, दैट्स अ रैप। एंड या बी कंसिस्टेंट, रोज पोस्ट करना। एंड अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो दिन में एटलीस्ट 3 बार ज़रूर पोस्ट करना। एंड आई नो कि आप लोगों को ये सुनने को ज़रूर मिलेगी कि मुझे स्क्रंचेस पसंद नहीं है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर उन लोगों ने ये कहा, क्योंकि शायद वो लोग नहीं पहनती हो। डोंट बी शाय, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। एंड अगर आप चाहो तो इसमें लेबल कर सकती हो, इसकी पैकेजिंग भी कर सकती हो, बट पैकेजिंग में लेबलिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो मैं आप लोगों का अभी सजेस्ट नहीं करूँगी। सिंपल बना देना, ना सुनर आपके पैसे वेस्ट नहीं होगी। सो या दिस इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपके आस पास जितनी भी लड़की है उन लोगों को दिखा दो, उन लोगों को दे दो, उन लोगों को सेल कर दो, बाय। या फिर आप लोग अपनी बहन को भी बता सकती हो खरीदने के लिए। सो यस गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, इट वॉज स्क्रंचेस की आइडिया। तो या स्क्रंचेस कैसे बनाती है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस।